वडोदरा शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन गंभीर स्वरूप धारण करते हुए आज भी 122 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 26,296 पर पहुंच चुका है। तो वहीं आज एक दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु दर्ज की गई है। वडोदरा शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण अब विस्फोटक रूप धारण कर रहा है। हर रोज के तादाद में पॉजिटिव केस में बढ़ावा होते हुए आज भी एक साथ 122 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 26,296 पर पहुंच चुका है, जो वडोदरा शहर के लिए खतरे की घंटी समान और एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। बीते 24 घंटे के दौरान 4,023 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, तो वहीं मृत्यु आंक में आज एक दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु दर्ज की गई है। कुल मिलाकर अभी तक 246 जितने लोगों की मौत हो चुकी है। आज 70 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कुल मिलाकर अभी तक 25,338 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से किशनवाड़ी, रामदेवनगर, वारसिया, कारेलीबाग, नवापुरा, समा, एकतानगर, चाणक्यपुरी, रंगमहाल, गाजरावाड़ी, कपुराई, सोमा तालाब, वागोड़िया रोड, मांजलपुर, लालबाग, दरबार चौकड़ी, चौखंडी, यमुना मिल, माणेजा, दंतेश्वर, वड़सर, मकरपुरा, तांदलजा, अटलादरा, गोत्री रोड, सुभानपुरा तथा वडोदरा के ग्राम्य अनगढ़, आंती, खानपुर, उंडेरा, पादरा अर्बन, गुताल, गवासर, डभोई, करजन अर्बन आदि विस्तार से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे।